नमस्कार जोहार, आपसे का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। पता चले कि लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर रहने वाले भी पोस्टर बैलेट से दे सकेंगे वोट। रांची डीईओ का अब्सेंटी वोटर्स की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में ड्यूटी पर रहने वाले भी अब वोट देने से वंचित नहीं रहेंगे, वे पोस्टर बैलेट से वोट दे सकेंगे। इस बाबत रांची डीईओ ने अब्सेंटी वोटर्स की सूची बनाने का निर्देश दिया है। रांची लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीईओ सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को बैठक की। इसमें लोकसभा चुनाव में आवश्यक सेवा में लगे अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टर बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विमर्श किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को अब्सेंटी वोटर्स की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। देखिए, बिजली, पानी, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, शिक्षा, मीडिया, डाक, कारा सहित कुल 16 श्रेणी के कर्मचारियों को अब्सेंटी वोटर्स में शामिल किया गया है। चुनाव के दिन ड्यूटी पर रहने वाले भी दे सकेंगे वोट। लोकसभा चुनाव 2024 के दिन ड्यूटी पर रहने वाले भी इस बार वोट दे सकेंगे, उन्हें पोस्टर बैलेट की सुविधा दी जाएगी। उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा डाक मतपत्र पोस्टर बैलेट संबंधित सही बारीकियों की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र एवं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। तो श्री वो झारखंड का मौसम, गर्मी झलने को हो जाइए तैयार। 15 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। जैसे कि कुछ दिनों में मौसम खुशनुमा था, अब मौसम बदलने वाला है, गर्मी चढ़ने वाली है, तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो मौसम फिर करवट ले सकता है। धूप, छांव, बादल और बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों का मौसम खुशनुमा रहा, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, 5 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिसको लेकर के IMD रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि मौसम विभाग यानी अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। तो श्री और कहा कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कहाँ है। हेमंत सोरेन की अपनी पत्नी कल्पना सोरेन झामो नेता कब बनाएंगी होली एक्स पर कर दिया बड़ा ऐलान। नजर की कल्पना सोरेन ने हर ट्वीट में झामो कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने विरोधियों के लिए भी कुछ संदेश होता है। होली और महापौरम के दिन भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट को लेकर के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जब से जेल गए हैं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनका सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल कर रही हैं। इसी हैंडल से वो लगातार ट्वीट करती हैं और अपने विचारों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों को प्रेरित करती हैं, लोगों से जानकारी साझा करती हैं। कल्पना सोरेन ने एक्स पर किया है ट्वीट। कल्पना सोरेन के हर ट्वीट में झामुआ कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने विरोधियों के लिए भी कुछ संदेश होता है। होली और महापौरम के दिन भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, इसमें शादी के बाद पहली बार अकेले होली मनाने का जिक्र किया गया है। इस ट्वीट में हेमंत सोरेन का अपने पिता विश्वम गुरु शिव सोरेन का एक फोटो और हेमंत सोरेन पिता के साथ माथे पर गुलाल लगा रहे हैं। इस फोटो में एक तरफ कल्पना सोरेन भी खड़ी हैं। तो वहीं दूसरी ओर दो बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर, सड़क क्रॉस कर रहे अपाची बाइक सवार का बेकाबू अवेंजर बाइक से हुई भिड़त, दो की हालत गंभीर। बोकारो जिले के जस्टडी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। इस टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, वहीं एक व्यक्ति बाल बाल बचा हुआ है। सड़क हादसे की यह घटना स्वागत होटल के पास की है। इस जबरदस्त सड़क दुर्घटना में पिटवार थाना क्षेत्र के अंबाडी निवासी 28 वर्षीय देवान महतो एवं जसडीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाहरी निवासी 30 वर्षीय अरी रफीक अंसारी घायल हुए हैं, जबकि 25 वर्षीय तनवीर बाल बाल बचा। यह दुर्घटना CCTV में भी कैद हुई है। घटना दिन के लगभग 3 बजे की बताई जा रही है। तो इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट का किया गया निरीक्षण। गिरिडीह SP ने नक्सल प्रभावित बूथों का लिया जायजा, तैनात अधिकारियों को दिए गए निर्देश। गिरिडीह में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को SP दीपक कुमार शर्मा तिसरी प्रखंड पहुंचे, यहां उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बूथों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन ASP कौशल अली गोरी मुआ, SDPO नीरज कुमार और इंस्पेक्टर पास्कल टोपो के साथ थाना सिंह गढ़ी मुखबली नारोटाट आदि विद्यालय में बनाए गए बूथों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
सुविधाएं दुरुस्त करने से को कहा गया है। उन सभी बूथों ने चुनाव से पूर्व पानी, शौचालय, बिजली आदि दुरुस्त करने का संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। थाना डिस्ट्रिक्ट थाना सिंह गढ़ी चेकपोस्ट का भी निरीक्षण किया गया है। यह झारखंड बिहार के सीमा पर स्थित है। यहाँ उन्होंने थानेदार को नियमित वाहन जांच के साथ अवैध गतिविधियों के संचालन पर कड़ी निगरानी रखते हुए सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बाद में उन्होंने लोकायत बूथ का भी निरीक्षण किया। मौके पर लोकायत नयनपुर थाना प्रभारी नीरज कुमार, तहसील थाना प्रभारी संजय नायक, थाना सिंह गढ़ी ओपी प्रभारी अनंत कुमार उपस्थित थे। तो श्री वो साहिबगंज में युवक की हत्या, कनपट्टी पे मारी गई गोली, आँख फोड़ी गई, पार्टी के बहाने कार से ले गए दोस्त, चार घंटे के बाद उसी में मिली लाश। पचले की होली के दिन एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की जान ले ली। जी हाँ, जिस कार में सवार होकर वह घूमने निकले थे उसी में उसकी लाश मिली। गोली कनपट्टी पे लगी है और एक आँख भी फोड़ दी गई है। अब दोस्त फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना साहिबगंज के राजकमल थाना क्षेत्र की है, जहां के मलाहडी टोला निवासी पांडव मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद होली का त्यौहार माता में बदल गया। ग्रामीण बताया कि दत्ताराम मंडल का बेटा पांडव मंडल अपने साथियों साथ घर से कहीं दूर होली का जश्न मना रहा था। एक मृतक के भाई चक्कू मंडल ने बताया कि दिन के करीब सोमवार करीब 11 बजे इसी गाँव का उसका एक मित्र सुबेश कुमार मंडल अपनी कार को लेकर उसके घर आया और दोनों कार में बैठकर पार्टी करने चले गए। इस दौरान मृतक का मोबाइल घर पर ही छूट गया था, जिसके कार उससे कोई संपर्क नहीं हो रहा। तकरीबन 5 घंटे बाद लगभग 4 बजे उसके मित्र के कार को घर समीप देखा गया। जब लोगों की नज़र उस कार पर पड़ी तो देखा पांडव कुमार लहूलुहान अवस्था में कार के अंदर पड़ा है। लोगों ने कार खोलकर उसे बाहर निकाला गया तो देखा उसकी कनपट्टी पर गोली लगी हुई है और दाहिना आँख टूटा हुआ है। आर फार्म से राजमहल अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। अभी फरार है दोस्त। मृतक पेशे से ऑटो चालक था और ऑटो चलाया करता था, अपने परिवार का जीवन यापन करता था। फिलहाल मृतक का मित्र सुबेश मंडल फरार चल रहा है। इसका मृत पकड़ में आने के बाद ही इस मंडल की गुत्थी से पर्दा उठाया जा सकता है। थाना प्रभारी गुलाम सरवर ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, फिलहाल पुलिस एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। तो ऐसे ही वो होली पर जंगली सुअर के हमले से एक की मौत, 5 लोग घायल, अब भी खुलेआम गांव में घूम रहा है। वन विभाग की कार्रवाई में लगी हुई है। होली के दिन सिमडेगा के पिथरवा में जंगली सुअर के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दो लोगों की हालत गंभीर है। कुछ लोग इस पर हमले में घायल हो गए हैं। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र की घटना है। पिथरवा में आज सभी सुबह के त्यौहार जश्न का माहौल था और जंगली सुअर आने की वजह से अफरा तफरी मची। वन विभाग कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ऐसी वो झारखंड के गढ़वा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम, ऐसे धूमधाम से स्थापित किया गया शिवलिंग। झारखंड के गढ़वा जिले में के रमना में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने तत्परता दिखाई और माहौल शांत कराया। धूमधाम से मंदिर में फिर से शिवलिंग स्थापित किया गया है। जबकि झारखंड के गढ़वा जिले के रमना प्रखंड मुख्यालय स्थित भगत सिंह चौक के समीप शिव मंदिर में पिछले 20 वर्षों से स्थापित शिवलिंग को असमय तत्वों के द्वारा तोड़ने का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होकर ग्रामीण आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। घटना सूचना पाकर पुलिस अंचल निरीक्षक रतन कुमार सिंह, थाना प्रभारी अशफाक आलम ने तत्बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौके की जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को आरोपी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इधर गांजे बाजे के साथ विधि विधान से मंदिर में फिर से शिवलिंग स्थापना की गई है। तो दूसरी ओर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी की है। दौसा से कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया गया है। बात चले कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान की 2 सीट करौली, धौलपुर और दौसा पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है और इसमें करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं दौसा से कन्हैयालाल मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। ये भाजपा की तरफ से 6ठी सूची तैयार की करके भेजी गई है। तो श्री ओर रिम्स से फरार अपराधी आदित्यपुर में बना रहा था हत्या की योजना, पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिस्तौल व कारतूस बरामद। रिम्स से फरार राजा सिंह उर्फ राजू को RIT पुलिस ने पिस्तौल व गोली के साथ गिरफ्तार किया है और अपने साथी प्रकाश गोफ के साथ किसी की हत्या करने की योजना बना रहा था। बदले की रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स अस्पताल से फरार अपराधी को पुलिस ने हत्या की योजना बनाते पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी को जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले की
आदितपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही। ऐसी कुछ तमाम बड़ी खबर जो शाम के बुलेटिन समाचार में आ रही थी, तो मिलते खबर पसंद आए खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।